हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभंकर और आप देख रहे हो टी फॉर टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नो फेक ओनली टेक। आज हमारे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए है एक टीफी लिंक का वाईफाई राउटर। उसका ही हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू और उसका सेटअप देखेंगे। तो आइए बिना वक्त जाया किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर को पावर केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बोर्ड में स्विच देना पड़ेगा। तो देखिए मैं दे देता हूँ स्विच। स्विच देने के बाद यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगेगा, आप देख सकते हो। और जो बीच का लाइट है ना वो ब्लिंक करेगा, उसके बाद वाईफाई वाला सिग्नल भी ऑन हो जाएगा। हाँ हो गया, देखिए। अब इसके बाद वाईफाई सिग्नल ऑन हो जाने के बाद आपको करना पड़ेगा क्या, ये जो राउटर के पीछे पोर्ट है ना लैन वाला, इस लैन वाले पोर्ट में वो लैन केबल जो आपके साथ राउटर के साथ मिलता है उसको यहाँ पे इंसर्ट करके और एक लैपटॉप से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो लैपटॉप के साथ राउटर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप राउटर में देख सकते हैं यहाँ का ये लैन वाले का लाइट ये भी जल गया, ठीक है। इसके बाद हमें राउटर को लैपटॉप से सेटअप करने पड़ेगा। राउटर को लैन केबल के साथ कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा, नेटवर्क 6 या 4 करके कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो इंटरनेट दिखा रहा है, मतलब कि मेरे राउटर में अभी कोई भी वैन पोर्ट से इनपुट नहीं है। तो राउटर को सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा और यहाँ पे जाके वो जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है इसको टाइप करना पड़ेगा, 192.168.0.1। सिंपली इंटर कर दीजिए तो खुल जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पासवर्ड क्रिएट करने को, मतलब कि ये जो मेरा राउटर है नया नया सेटअप है तो इसीलिए ये सब बोल रहा है। तो सेटअप कर लेते हैं पासवर्ड। तो ये सब सेट हो जाने के बाद आपको राउटर सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आपको ये राउटर क्या करवाना है, मतलब इसका ऑपरेटिंग मोड वायरलेस राउटर या WISP या एसएस पॉइंट या रेंज एक्सटेंडर। तो मुझे फिलहाल वायरलेस राउटर पे इसको सेट करना है। अब देखिए यहाँ पर नेट कनेक्शन देना जरूरी है। तो नेट कनेक्शन देने के लिए वो जो राउटर के पीछे वैन पोर्ट होता है उसमें वैन केबल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आइए दिखा देता हूँ मैं आपको।
अब देखिए राउटर में वैन वायर को कैसे कनेक्ट करता है वैन पोर्ट में। ये हमारा वैन वायर है जिसमें इंटरनेट है, तो इस वायर से ही राउटर में इंटरनेट इनपुट होगा। दिखा देता हूँ कैसे होता है। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक चालू है, मतलब कि इस राउटर में कोई भी इंटरनेट नहीं है। जब भी इस वायर को मैं वन पोर्ट में डाल दूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा और ये ब्लिंक करना स्टॉप हो जाएगा। देखिए देखिए ये ब्लिंक करना स्टॉप हो गया इसका और ग्रीन हो जाएगा खुद बे खुद। तो ये ग्रीन हो गया, आप देख सकते हो सब लाइट एक साथ ग्लो कर रहा है, तीनों लाइट, एक वाईफाई सिग्नल का, एक इंटरनेट पोर्ट का और एक लैन पोर्ट का। तो लैपटॉप में अब सेटअप करना पड़ेगा सेकेंडरी राउटर का। तो यहाँ पे वो जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था उस टाइम उसको एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए, तो ये खुद पे खुद लॉगिन हो जाएगा। नो थैंक्स। देखिए WR841N मेरा राउटर का मॉडल। आप क्विक सेटअप पे क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, वायरलेस राउटर ही रहने दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर दीजिए या डायनामिक आईपी कर दीजिए, मैं फिलहाल डायनामिक आईपी करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है आप क्या मैक एड्रेस को क्लोन करना चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहता, नो पे रहने देता हूँ। तो ये जो मेरा वाईफाई का वायरलेस यूज़र नेम एंड ये इसका पासवर्ड, तो यूज़र नेम में एज वाइज ऐसे रहने देता हूँ और इसको मैं चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देख लीजिए डायनामिक आईपी एनेबल टीपी लिंक _0652 चैनल ऑटो मॉडल 11BGN मिक्स्ड चैनल वाइज ऑटो सिक्योरिटी WPA2 पर्सनल, ठीक है। और ये वायरलेस राउटर का पासवर्ड जो फिलहाल हाइड करके रख दिया मैंने। उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिए। कुछ वक्त लेने के बाद आपका काम पूरा हो जाएगा। तो हो गया पूरा सेटअप। तो मैं फिलहाल स्पीड टेस्ट करके बता देता हूँ। तो speedtest.net वन ऑफ द बेस्ट स्पीड टेस्ट वेबसाइट। बस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के जाना। चलता हूँ मैं, फिलहाल मिलूंगा आपसे दोबारा किसी दूसरे नए वीडियो में किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत।